अन्वेषक मानदेय 17,000 डबल बेंच के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अन्वेषक शिक्षक मानदेय 17,000 डबल बेंच आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा समाचार आ रहा है और जिसका अंदेशा था वही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़ एंड न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डीके देव। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में 2013 से जूनियर स्कूलों में कार्यरत अन्वेषक इस समय अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। ये एक अच्छा और बड़ा समाचार आ रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपील की है, दरख्वास्त लगाई है कि इनको इनका मानदेय 17,000 जो कि डबल बेंच ने निर्धारित किया है, आदेशित किया है, वो ना दिया जाए। कहने का तात्पर्य, डबल बेंच के आदेश को बदलवाने के लिए, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है। अन्वेषक मानदेय 17,000 को लेकर आपको बताना चाहेंगे, अन्वेषक शिक्षक जो कि सर्वगुण संपन्न और स्पेशल सब्जेक्ट के शिक्षक हैं और इनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है नई शिक्षा नीति में, और ये बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको समान कार्य समान वेतन ना दिया जाए, इनको इनका वाजिब हक ना दिया जाए। केंद्र द्वारा बजट जो निर्धारित किया गया था और जिसे दिया भी गया था उत्तर प्रदेश सरकार को, वो ना दिया जाए, इसके खिलाफ अब खुलकर उत्तर प्रदेश सरकार आ गई है और उसने अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। ये एक बहुत ही रोचक समाचार, रोचक बात है। अब अन्वेषक भी पूरी कमर कस चुके हैं, एक मंच पर आने के लिए आह्वान शुरू हो चुका है। एक मंच पर आकर सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से केस को लड़ा जाए, अन्वेषकों ने इसकी शुरुआत कर दी है और सब एक साथ एक मंच पर आकर अब लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। ये निश्चित हो चुका है, अब योग्य शिक्षित अनुदेशक संगठित होकर संघर्ष करेंगे अपने मान सम्मान के लिए और विजय निश्चित प्राप्त होगी सुप्रीम कोर्ट से। सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।